मंगल करके फिर लिखते ने श्री भगवती जी सहाय। भगवती समय अनुसार जेदे तो भगवान अते भगत लफ्ज होंद विच आए, भगवान भगतां नूं पैदा करन वाला भगवती वो परमात्मा वो अकाल पुरख। महाराज कहिंदे ने हर कार्ज की आरंभता तो पहला अकाल पुरख तो बख्शिशां लिया करो, आग्या लिया करो, तरला लिया करो भी मैं कोई भी कार्ज आरंभ करन लगा हे अकाल पुरख मेरी सहायता करी। वार श्री भगवती जी की हुण ओ जेड़ी असीम ताकत अकाल पुरख है उन्हें एका माई जुगत व्याई एक माया आदि शक्ति पैदा करके संसार रचया है। एक कबला औरत जिनू देवी दुर्गा कहिंदे जे उसने उस भगवती की सिमरना करके याद करके कीर्ति करके जस करके दैंतां दा मुकाबला करन लई ताकत मंगी है और सब नूं ताकतां दिंदा है। रामकृष्ण नूं भी दित्तियां, सब नूं ताकतां दिंदा है। और वो भगवती वो अकाल पुरख वो असीम शक्ति है जिन्हें दुर्गा ते कृपा कीती ते उन्हूं देवी कह रहे ने लोग क्योंकि दैंतां दा शंगार कीता उन्हें। जे उस भगवती की अकाल की कृपा ना होंदी ते जंग नहीं सी उह देवी जित सकदी। दूसरा पक्ष एक साढ़े अंदर सदा ही जंग चलता रहिंदा है। कबीर दोवां जंगां दा ही जिक्र करदे ने। कई अपने आप नूं बहुते वड्डे ज्ञानी अखवाउण वाले इहनूं भी अंदर दा जंग कह दिंदे ने, पुरजा पुरजा कट मरै। ये दो श्लोक कठे आउंदे ने, मतलब समझो कबीर कहिंदा दो प्रकार दा जंग चलदा दुनिया ते, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कहिंदे ए मनुखा जन्म ए ऐसी कर्मा दी धरती है जिथे तेरा अंतशकरण दा, जिथे तेरे मन दा पंजां दुश्मना दे नाल जंग चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह। हुण जे ओ जंग जित लवे उन्हूं पता की आखिया, जां को हर रंग लागो इस जुग मैं सो कईयत है सूरा। हरी दे रंग नाल बाणी दी बरकत नाल ज्ञान दी चंडी नाल इन्हां पंजां नूं ढा लिया ते तू सूरमा खवावेंगा। केड़ा सूरमा जिहनूं संत कहिंदे ने। इदां ही जंग इक बार चल रहा है, इह काम क्रोध भी दैंत ने, इक बार जंग चल रहा। जिवें औरंगजेब नाल गुरां दा चलिया, दुर्गा दा दैंतां नाल चलिया, दीन दुनिया दे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा समय दे बादशाह शाहजहान नाल चलिया। भावें दुश्मन बाहरी ने ते भावें अंदर ने की कहना है, श्री भगवती जी सहाय। हे भगवान भगत सब देवी देवत्यां ते किरपा करन वाले अकाल पुरख, असी विकारां तों जितिए साडे ते किरपा कर, असी बारी दुश्मना तो जितिए साडे ते कृपा कर। हुण सवा लख नाल गुरां ने लड़ाउणा है। उदाहरण क्यों दुर्गा दी दे रहे ने भी वेखो, कली है ते सैकड़े दैंत ने, हजारां दैंत ने, ते सिखो तुसी दस लख दा घेरा सवा सवा लख नूं देख के काबरो ना। मेरे पिछे उस अकाल पुरख नूं ते आओ। जे एक इस्त्री नूं दैंतां नाल लड़ा सकदा है ते तुसी ते फिर सिंह सूरमे दे। उदाहरण देण दा मतलब ये नहीं हुंदा भी उहदी पूजा करो।
पर भावें जंग अंदर चल रहा है, बाहर दुर्गा लड़ी है दैंता नाल, अंदर ज्ञान रूपी दुर्गा ज्ञान रूपी खड़ग, दैंत केड़े ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल जंग चल रहा है। ये गुरु नू नहीं लोड़ किसे तो मंगण दी भी मैनू ताकत दियो, ये चंडी दी वार सिख लई लिखी है, ना हमरी करो हा दे रशा सिख लई लिखिया भी अकाल तो रखिया मंग, अकाल तो ताकत मंग, गुरु ते आप अकाल है शीम है, सानू समझाया कोई भी कार्य आरंभ करना भगवान दीन दुनिया दा पातशाह गुरु नानक अकाल पुरख नू ते आना है, दुर्गा नू नहीं ते आना, उदा ते खंडन कर दिता गुरु ग्रंथ साहब ने भी दसम ग्रंथ ने भी, मुगत की बरिया कहां छुपानी हूं कईयत हो आद भवानी। गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने जे तू आद भवानी है, आद तो ही शक्ति है, हे दुर्गा तेरे कोल मुक्ति देण दी ताकत क्यों नहीं, मुक्ति ओह देवेगा जेड़ा आप मुक्त है, मरदा नहीं जमदा नहीं, तू ते आप काल लथों खत्म होई है। हिंदू वीर अपने देवी देवते इष्टां दा सत्कार करन, असीं ये गल नहीं करदे भी ओह ना सत्कार करन, पर पातशाह कहिंदे ने किरतनां नूं जिहड़ी किरत हुंदी है ना, किरत किरत पैदा हुंदी है मिट जांदी है, करते नूं याद करो, जिहड़ा किरत पैदा करन वाला है, दुर्गा नूं पैदा करन वाला है, राम कृष्ण नूं पैदा करन वाला है, तां ही सिखां लई नारा बुलंद कीता सी भी खालसे ने केवल अकाल दी पूजा करनी है, क्योंकि खालसा किरती अकाल दी है, खालसा अकाल पुरख की और उदी किरत है, असी असी मन्नांगे भी उन्हूं। साहिब सचे पातशाह जिथे बड़े बड़े पैगंबरां देवी देवत्यां दे गुण लिखदे ने ना, उथे ए भी जिक्र कर दिंदे ने सिखो इन्हां नूं मुक्ति दा साधन ना समझो, मुक्ति अकाल ने देनी, जिथे गुण ने गुण बयान कीते ने औगण बयान कीते। साहेब कहिंदे ने पातशाही दसवीं गुरु ग्रंथ साहिब दा सिद्धांत महला पहला महला दूजा, महल की है शरीर, एक चोला पुराना हो गया, गुरु नानक दी जोत दूजे महल विच समा गई है गुरु अंगद साहिब, इदां दसवें पातशाह ने वीर रसी बाणी लिखी है, ओ महले नूं पातशाही कर दिता, भाव के पात तख्त ते शाह मालक, तख्त दा मालक कौन है, दसवां गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह। हुण उत्थे महला इत्थे पातशाही क्यों है, ये गुरु आजाद हस्ती है, भावें वह महला लिख दे पातशाही लिख दे, मैं नहीं समझता भी मेरे वर्गा कीड़ा कोई अलपग जीवे हंकार करे भी आ क्यों हो गया आ क्यों हो गया, खसम अगे उंगल चुकनी बड़ी औखी है, जेड़े चुकते ने पसौड़िया वगू लान ताई ने पले होर कख नहीं पिया, राम राय वगू दुरकारे ही जाते ने, होर कोई उन्हां दे हथ कीर्ति नहीं लगती। पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, कहिंदे सारिआं तो पहला मैं उस अकाल नूं आद शक्ति उस ब्रह्मांड दे वाली नूं त्याउंदा हां सिमरदा हां, और ये जिहड़ी पहली पौड़ी है आपां इहदी व्याख्या करके भी गए अरदास दे समें, ये सिखां दी अरदास दा मुख बंद है, ये अरदास दा ए एक नीह पत्थर है जिहदे तो अरदास दी नीह रखी गई है, और पातशाह ने आप लिखी है। जिहड़े वीर श्री दशम ग्रंथ ते तर्क करदे ने ना, उन्हां नूं आखो भी गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रेम है, रब दी प्राप्ति दा रस्ता है, पर मर्यादा सारी गुरु ग्रंथ साहिब विच दशम ग्रंथ विच है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विचों तुहाडी फतेह नहीं लभेगी, वाहिगुरु जी का खालसा, फिर फतेह बुलाउणी छड्ड दईए, इह दसम विच है, आ पढ़ के ते आए जे श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास दसम ग्रंथ विच है,
ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਨੇ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਹਰ ਸੱਚੈ ਤਖ਼ਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤਸੰਗਤ, ਕਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਪੀਓਸੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੋਨੀ ਜੋਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਢਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਛੋ ਪੰਜੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਏ ਸਿਖਾ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦਿਨ ਰੈਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਪੁੱਤ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਪੁੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ,
जिन्ना तो जपजी साहब नहीं हुंदा। ते करना ते की है, दूजियां नूं भी डक देईदा भी तोता रटना है। साहिब कहिंदे उन्हूं ते आके हर कार्ज की आरंभता कर, और उन्हूं ते आउण दा तरीका की है, गुरु नानक लई ते आए। गुरु नानक ते ओ एक ही स्वरूप ने, गुरु नानक ते ओ एक ही स्वरूप ने। गुरु नानक नूं ते आउण वाला पता की बन जांदा है, बलहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी। मामूली मनुख तो देवता, मामूली मनुख तो संत बन जांदा है, सतसंगी तो संत बनदा। ते फिर जेड़ा संत है, संतां कहो मत कोई निंदो, संत राम है इको। जेड़ा सतसंगी तो संत बन गया वो राम विच भेद हो गया, रब दा रूप समझीदा, वो कबीर वो फरीद बन गया। पर बनदा किवें है, मनूर तो सोना करन वाले गुरु दे चरणां च जा, मनुख तो देवता करन वाले गुरु नानक दे चरणां विच जा। होर कोई ऐसा पारस नहीं जेड़ा तैनू सोना बना दवे, हो ते गुरु दे चरण ने। पुछो बाणी नू जी क्यों त्यौना है, प्रगट सगल हर भवन मह जन गुरु नानक जन पार ब्रह्म। साहिब कहिंदे ने ए सारे भवना दे विच ब्रह्मांड दे विच प्रगट है, प्रगट सगल हर भवन मह, सारे ब्रह्मांड दे विच ए तय है, जन नानक गुर पार ब्रह्म। भी गुरु नानक ही परमात्मा है, गुरु नानक ही पार ब्रह्म है, उदा सरगुण स्वरूप है, उनू असी ते आना है। ते जे गुरु नानक खुश हो गया, सबे काज सुहेलड़े थीए, गुरु नानक सतगुर तेरे सारे कार्ज सफले। तू परमात्मा दी प्राप्ति चाहना है, गुरु नानक नू खुश कर ला। ते गुरु नानक नू खुश करन वाला किवें खुश करेगा, गुरु नानक लई ते आए। किसे नू याद करिए ते याद करदा ना, दिन रात याद कर, दिन रात उसनू त्यौना कर। कई जगह लिखिया गुर परमेसर एको जान, की अर्थ करोंगे दा, गुरु ते परमेसर विच फर्क ही नहीं। गुर परमेसर एक है, सब मैं रहया समाए, की अर्थ करोगे दा। बेअंत अनंत पंक्तियां ने इस करके सरगुण स्वरूप नूं त्याओ। ते जदों पहला चोला शरीर रूपी चोला पुराना हो गया ना, ते गुरु नानक जी किथे गए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासें हुई सहाए। गुरु नानक जी ने चोला बदल के, क्योंकि शरीर मिट्टी दा है, ये जोत गुरु अंगद साहब विच प्रवेश करवा ली। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो। जेड़ा जोत रूप दुनिया दे उत्ते आया है, सरगुण बन गया है, चोला गुरु नानक रूपी पहने आए, ताते अंगद भयो, तत स्यों तत मिलायो। पंजां तत्तां दा शरीर मिट्टी विच अभेद करके अपनी जोत गुरु अंगद विच समा दित्ती। अंगद किरपा धार अमर सतगुर थिर की कीता गुरु अंगद साहिब ने। जदों ओ शरीर छड्डण लगे ते ए सदा झुलण वाला गुरु नानक दे तख्त दा छत्र बाबे अमरदास दे सिर उत्ते रख दिता। अज बाबा अमरदास जी चले ने गुरु रामदास दर्शन परश कह मथुरा अमृत बैण। अज गुरु अमरदास जी चले ने, चोला पुराना हो गया, ते जोत कढ के गुरु रामदास विच प्रवेश कीती है। मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो। कहिंदे इन्हां चौहां ने फिर अपनी जोत पंजवें शरीर गुरु अर्जन साहिब विच प्रवेश कराई है। इसे तरह महाराज कहिंदे जिवें गुरु नानक नूं त्याउणा है, फिर की करियो, फिर अंगद गुरते अमरदास और रामदासें हुई सहाय। गुरु अमरदास गुरु अंगद साहिब
गुरु रामदास जी नूं बेनती करियो हे दाता जो भी असीं कार्ज करन लगे हैं तुसीं सहायता बख्शियो। कोई भी कार्ज आरंभ करना है ये अरदास इन्हां नूं त्याग के सिखने तुरना। अर्जन हरगो बिंदनो सिमरो श्री हर राय। पंजवें पातशाह ते फिर मीरी पीरी दे तारनी जिन्हां दे बारे लिखिया है छठम पीर बैठा गुरभारी मुगलिया सल्तनत जो जुल्म करदी सी इंसानियत दे उते उन्हां दे नाल मत्था ला के उन्हां दे तख्त नूं अहंकार नूं चौवां जंगां विच चकना चूर करन वाले गुरु हरगोबिंद साहिब और असीम शांति दे पुंज जेनू तती तवी भी गर्म नहीं कर सकती। जे तेरा मन थोड़ा जिहा काला पवे ते गुरु अर्जन नूं ध्याया कर। कहिंदे अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। मैं सदा गुरु अर्जन साहिब नूं गुरु हर गोबिंद साहिब नूं दातार श्री हर राय साहिब नूं सिमरदा हां जिन्हां दा दिल बड़ा कोमल है उन्हां नूं सदा सिमरदा हां। फिर हुण दिल्ली वल नूं चल पो। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। महाराज कहिंदे मैं ध्यान मारिया है गुरु हर कृष्ण वल। वेखो दिल्ली दुखां विच झगड़ी है अपना चोला त्याग के तुहानू हरिया भरिया कर गया है। साहिब सच्चे पातशाह जिधरों भी दुखियां दी पुकार आउंदी उधर नूं ही चल पैंदे ने। दिल्लियों आई पुकार ते इधर नूं चल पए। ते जेड़ा केवल करामात वेखण लई दर्शन चाहुंदा सी औरंगजेब उन्हूं दर्शन नहीं दिते। दुखियारियां नूं दुखियां नूं दर्शन दिंदे रहे ने। कहिंदे जदों कोई सिखा दुख आवे कोई मानसिक दुख आवे कोई शरीरिक दुख आवे इस गल नूं हिरदे विच वसा लै भी इको एक ऐसी ताकत है जिस डिठै सब दुख जाए उहदा नाम ही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब। सारिआं दुखां नूं कटदा है। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। कृपा कर दवे ते सारिआं दे दुख कट के वढ के सुट दिंदा है। कृपा कर दवे ते विरलिआं ते कृपा हुंदी है जिन्हां नूं अरदास करनी आ गई जिन्हां नूं झुकना आ गया। जिहड़ा सवाल जवाब करदा है आपां इक कहावत है दानियां फरदानियां बीबियां विच भी उह खसम दे घर नहीं वसदी जिहड़ी जबान चलाउंदी है। कहावत है इक किरपा उहदे ते जिहड़ा सिर झुका गया। कहिंदे उहदे दुखां नूं कट्टण वाला ए अगे आखण लगे तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए। आओ कहिंदे सारे रल के उहनूं याद करिए। आओ सारे रल के सिमरिए गुरु तेग बहादुर नूं। कहिंदे जी क्यों कहिंदे जे गुरु तेग बहादुर खुश हो गए ते नौ निधियां अष्ट सिद्धियां सब खजाने तेरे घर विच किवें आउणगे। घर नौ निद आवै ताए दौड़ दौड़ के धक्के ना ही तेरा घर भर देणगियां रिधियां सिद्धियां। धक्के ना ही तेरे घर सुख आ जाने ने धक्के नाल ही दौलतां शौहरतां आ जाणियां ने। सिमरना सिख लाए दोनों मिलता। जेड़े बच्चे नूं रोना आ जावे दूजे नूं नहीं मिलता। रोंदा दे मां दुध दिंदी है। रोना सिख ला गिड़गिड़ाउणा सिख ला तरला लैणा सिख ला अरदास करनी सिख ला। ते पातशाह कहिंदे ने फिर किसे दे अगे हथ डाउण दी लोड़ नहीं। गुरु तेग बहादुर खुश हो गए ते ए रिधियां सिद्धियां ए दौलतां शौहरतां ताए धक्के नहीं घर आ जाणियां भज के ही घर आ जाणियां ने।
साहिब सच्चे पातशाह अपनी बाणी दे विच ये गल समझाउंदे ने, गुरु तेग बहादुर अकाल रूप है। हुण वेखियो पहली पौड़ी दी अखीरली पंक्ति नूं पहली नाल मिलाउणा है। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाए। अच्छा, पौड़ी दे शुरू विच ध्यान दिओ भी कित्थों सहायता मंगी है। प्रथम भगौती सिमर कै श्री भगौती जी सहाए, हे भगौती हे अकाल पुरख मेरी सहायता करते। अखीर ते किनू आखी ये गल, हे गुरु तेग बहादुर सब थाई होए, हर जगह तू सहायता बख्श। गुरु तेग बहादुर दसो पातशाहियां परमात्मा दा सरगुण चोला ने। शुरू विच अकाल नू आख्या, अकाल पुरख नू आख्या, ते अखीर ते एही मंग गुरु तेग बहादुर कोल रखी है। ते नाल दसम ग्रंथ विच ये भी कहा, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। जंजू दी रखिया किने कीती है? जेडे अजकल कुर्सियां ते बैंदे ने राज भाग भोग रहे ने, इच कोई दो राय नहीं, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती। ओ बापू कलगीधर, ओ बापू गुरु तेग बहादुर ना हुंदा ते आ कुर्सियां ते बैण वाले अज किते इस्लाम मुस्लिम किसे मुगल दे घर पोचा पाचा लाउंदे होणा सी। ये तख्त दिता है गुरु तेग बहादुर दा, कोई भी हुकूमत है हिंदुस्तान विच ये तख्त साडे बापू दा दिता है। कोई एहसान फरामोशी करे ते लख करे, ये तख्त किने दिता है? तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किने रखिया कीती है? गैरां लई सिर कौन दिंदा है? बंदा नहीं दे सकदा, रब दिंदा है। मैं ते अपनियां लई सिर दे सकदा, जां कोई अपने धर्म लई अपने बच्चियां लई कदे गवांडियां दी सुख मंगी जे, कोई नहीं मंगदा, आपदी मंगी दी है। गवांडियां दे घर अग लाउण नूं फिरदे आ असीं। अजकल भी एक धर्म दूजे नू खत्म कर रहा, पर साडे बापू नू जगत गुरु एवें नहीं कहिंदे। जे पंडित आए ते उन्हां दी रखिया है, मुस्लिम आए ते उन्हां दी रखिया है, ते सिख नू ते रखना ही है। उहदे लाल ने सारिआं दी रखिया करन वाला है, पर कौन? प्रभ ताका। दसम ने कहा प्रभ है, प्रभ है गुरु तेग बहादुर, क्योंकि रब विच ही गुण है भी गैरां लई कुछ करना, हर एक नूं एक समान समझना, बंदा नहीं सिर दे सकदा। ते तुसीं आखोगे दसम दी गल करदे जे, गुरु ग्रंथ साहिब ही ये गल कहिंदे ने, गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुरु गोबिंद भाव के ओ जिहड़ा कुल कायनात दा गो धरती दा मालक है परमेश्वर, उही गुरु होके दुनिया ते आया। गुर पूरन नारायण है, गुरु ही नारायण है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही तेग बहादुर है। कहिंदे जिथे मैं निर्गुण स्वरूप भगौती तो अकाल पुरख तो रखिया दी मंग करदा है, उत्थे मैं सरगुण स्वरूप गुरु तेग बहादुर नूं एक गल कहना है, मेरे हर कार्ज विच मेरे हर पुट्टे जाण वाले कदम विच सब थाई होए सहायता करो, कृपा करो। दूसरी पौड़ी दे विच आरंभता करन लगे ने, पौड़ी खंडा प्रथम साज कै जिन सब सह सार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया। भाई गुरदास दी बाणी, भाई नंद लाल दी बाणी, ते दसम ग्रंथ दी बाणी ते इतिहास, ए गुरु ग्रंथ साहिब दा टीका है। जिदा कोई अजकल ज्ञानी जिवें संत कृपाल सिंह जी ने टीका कीता, साधु टीका करदे ने अर्थ दा बोध हो सके, इउं समझ लो दसम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब दी टुक मात्र कीती व्याख्या दा विस्तार है।
यह आपां बाणी चों सिद्ध करना है। जिहड़े वीर कह दिंदे ना भी दसम दी की लोड़ आ, मैं दो चार पंक्तियां पढ़नियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दियां ते मैं उन्हां दे चरणां विच सनिमर होके हाथ जोड़ने ने भी इन्हां दोवां पंक्तियां दे अर्थ मैनू दसम ग्रंथ तो बिना करके विखा दिओ। जे कर देण कोई हिंदू ग्रंथ ना वेखण, दसम ग्रंथ ना वेखण, इतिहास ना वेखण, कहिंदे ना भी शब्द गुरु चों ही सब कुछ लभणा सी, वह अर्थ कर देण, केवल गुरु ग्रंथ साहिब चों विस्थार कर देण भी ये क्यों लिखिया है, ये जेदा नाम लिखिया उन्हें की कीता है, किथे कीता है। ते मैं तुहाडे चरणां विच बेनती करदा है ते हाथ जोड़ के कह दवांगे भी वाकया ही किसे इतिहास की सानू लोड़ नहीं, शब्द गुरु रब की प्राप्ति लई है। शब्द गुरु ये कदे नहीं कहिंदा इतिहास छड्ड दिओ, मर्यादा छड्ड दिओ, जे सब कुछ ही छड्ड देना फिर ते खंडे की पौल भी छड्डोगे ना, ते खंडे की पौल तो बिना दसो सिख कौन है। खंडे की पौल लई तीन बाणियां दसम ग्रंथ विचों ने, ते जेड़े कह दिंदे ने भी गवाही दिओ सबूत दिओ, ते मैं कहिंदा हुन्ना भी जिहनू छाती ना ला के क्या कलगी धरने रंगरेटा गुरु का बेटा, जाओ बाबे देसा सिंह दा भाई जैते बाबे जीवन सिंह दा रहितनामा, भाई जीवन सिंह की लिखत पढ़ लो, तुहानू पंज बाणियां दिख पैणगियां। ते जां ते फिर सिखा तू कह दे भी भाई जीवन सिंह नू तेरा जीवन महान है, ते कह दवांगे भी अमृत संचार विच दसम दी बाणी नहीं पढ़ी। करनी कीड़ियां वाली छोटा जिहा पतंगा चार खंभ निकल आए, ते जे आखे ना मैं गरुड़ दा बाज दा मुकाबला करके असमान सर कर लवां भुलेखे विच है। बाबा जीवन सिंह भाई मनी सिंह जिन्हें अरदास दी है पौड़ी लिखी है, साडा जीवन उहदे चरणां दे किणके वर्गा भी नहीं, उहनां दी नहीं असी मननी ते तेरी मन लईए। पढ़ो बाबे देसा सिंह दा हुक्मनामा, दोहन ग्रंथ में बाणी जोई, चुन चुन कंठ करै सिंह दोई। दोहां ग्रंथां दी बाणी पढ़ के कंठ करो, भाई देसा सिंह समकाली महाराज दे लिख रहे ने, हुण तुहाडी मनी है कि इहनां दी मनी है। चलो आप अगे पंक्तियां का जिक्र करते हैं। देखो हुण बाणी की रचना जपजी साहिब विच ये लिखिया है, सिद्धा ने गुरु नानक जी नूं सवाल कर दिता, पातशाह ब्रह्मा दुनिया नूं साजदा है, विष्णु जी दुनिया की परवरिश करते ने, ते जिहड़ा शिव जी है ना वह लयता करता वह खत्म करता है। हुण सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब कहिंदे भी तुसीं समझदे जे भी ये तीन जने दुनिया चला रहे ने, इहदा खंडन शुरू च ही है एक ओंकार, एक ही अद्वैत रूप परमात्मा पैदा करन वाला है, एक ही अद्वैत रूप परमात्मा परवरिश करन वाला है, ते एक ही अद्वैत रूप परमात्मा साहां नूं खिच के अंत करन वाला है। जे ब्रह्मा जी सृष्टि साज रहे होंदे ते आप काल दे हथों खत्म ना होंदे, विष्णु जी परवरिश करदे होंदे ते अज मौजूद होंदे, शरीर उहनां दा भी नहीं लभदा। ठीक है भी हिंदू वीर उहनां दी पूजा करन उह हाजर नाजर समझदे हुण, शरीर नहीं छड्डिया काल ने। ते जे शिवजी ही महाकाल हुंदा ते काल हथों कदे ना मरदा। एक शिव भए एक गए, ये दसम विच चोट कीती है, एक शिव भए एक गए एक फिर भए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कई शिव जी आए शरीर करके काल कईयां नूं लै गया, कई कृष्ण जी आए राम जी आए, काल ने टिकण किसे नूं नहीं दिता, शरीर नहीं रहिंदा, नाम रह जांदा। राम जी चंगे कर्म करदे ने, नाम रह गया, रावण बुरे करदा ऐलान तां रह गईयां, नाम रह जांदा है पर शरीर नहीं काल ने छड्डिया। ते जेड़ा शरीर नहीं रहा उहनूं महाकाल किदां कह दईए भाई दसो। इह ते ठीक है भी सारिआं च ही रब दे अंश ने, इह ते कहा जा सकदा है, पर पूर्ण तौर ते महाकाल उह है जिहदा शरीर है ही नहीं, ते जेड़ा अकाल मूरत है, काल तों रहत है।
महाराज कहिंदे जे तुसीं जिद करदे जे ना भी विष्णु ब्रह्मा महेश ही ये सारा कुछ चला रहे ने, कहिंदे फिर ध्यान दो परमात्मा ने एक शब्द दे नाल सब तो पहला कुदरत साजी है। माया पैदा मानदे जे ना गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा ना भी माया हुंदी है जेड़ी साडे ते खसम दे प्रभु दे दरमियान एक कंध खड़ी कर दिंदी है। वो कंध पैसियां दी होवे, परिवार दी होवे, नौकरी दी होवे, भी जदों रब दे दर ते आया नहीं जांदा समझ लो माया ने बेड़ी पा ली। मानदे जे ना ते माया तो ही सृष्टि पैदा हुंदी है, क्योंकि माया ऐसी ताकत है जे मोह पै गया है, लोभ क्रोध मोह ये विकार पंज माया दे ही रूप ने, जेड़ा पंजां च जकड़िया वह सृष्टि विच आउंदा जांदा है। इहदा मतलब भी माया राही सृष्टि पैदा हुंदी है। इसे तरह साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने एका माई, उहदी व्याख्या है खंडा प्रथम है साज के ध्यान दिओ, ये टीका है गुरु ग्रंथ साहिब दा। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै आजाद नहीं, ये तिने आजाद नहीं। सिद्धो जे तुसी इसे जिद ते ही अड़े जे भी ये तीन दुनिया नू चलाउंदे ने, कहिंदे गल सुनो पहला ते माया है जिन्हों कुदरत कहिंदे जे आदि शक्ति, ते माया तो बाद आखण लगे भी जिवें सृष्टि चलती है ये जूना पैदा हुई इदा ही ये तीन देवते पैदा हो गए जिदा आपां सारे पैदा होए। ते जे तुसी आखो ना भी ब्रह्मा एक भंडारी, कहिंदे जे तुसी आखो भी विष्णु भंडारी है ब्रह्मा जन्म दिंदा है, एक संसारी एक भंडारी संसार नूं पैदा ब्रह्मा करदा तुसी कहिंदे जे, एक भंडारी भंडार विष्णु दिंदा, एक लाए दी बाण काल रूप अंत रूप शिव नूं कह रहे जे, ते मेरी एक गल सुन लवो जिद छड्डो जां ना छड्डो पर ये जेड़े तिन्ने वी ने ना, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै ते वै चलावै, इन्हां नूं वी पुतलियां वांगू अकाल पुरख ही नचारिया है। जिव होवै फुरमान ते जो अकाल पुरख हुक्म करेगा इन्हां दी हस्ती नहीं भी हुक्म तो बाहर चलना, हुक्म जी चलते ने। ते ए भी ना समझ लो भी माया आजाद है, माया भी हुक्म विच चलती है। खंडा प्रथम है साज कै, खंडा की है ध्यान दियो, खंडे दे दो मूंह हुंदे ने। बाबे दीप सिंह ने खंडा पढ़िया, तलवार दा एको मूंह है, खंडे दे दो मूंह हुंदे ने। हुण खंडे दा सुभा की है, खंडा जन्मदाता है, एक मूंह ना जन्म दे रहा ते एक नाल साह खिंच लैंदा, वढ के सुट दिंदा है, साह खिंच भी लैंदा है, साह प्रदान भी कर दिंदा है। कहिंदे सारिआं नालों पहलां तू आदि शक्ति माया नूं पैदा कीता है, काल नूं पैदा कीता है, ते माया दे आदि शक्ति दे कुदरत दे काल दे खंडे वांगू दो मूंह ने, एक पैदा कर रहा ते एक अंत कर रहा। ते खंडा जिवें खंड खंड कर दिंदा आप नहीं खंडिया जांदा, इदां इह जिहड़ी अदुत्ती ताकत है खंडा है, ये तेरा हुक्म है। खंडे नूं हुक्म समझ लो, खंडे नूं काल समझ लो, खंडे नूं कुदरत समझ लो, खंडे नूं ओ अदुत्ती आदि शक्ति माया समझ लो। वो आप नहीं खत्म हुंदा, खंड खंड नहीं हुंदा, पर लोकां नूं खंड खंड कर दिंदा है। सारिआं नूं पहला वो खंडा तूं साजिया, की साजिया? एका माई जुगत व्याई, जिवें गुरु नानक ने जप जी विच कहा भी तूं माई माया साजी है, कुदरत साजी है। खंडा प्रथमै साज कह जिन सब सह सार उपाया, संसार दी रचना सिद्ध हो इदां हुई है, ब्रह्मा जी ने नहीं कीती, ये माया ये आदि शक्ति अकाल पुरख ने कुदरत बनाई है, उहदे तो ही शिवजी ब्रह्मा विष्णु ये सब जूना होंद विच आईआं ने।
ते जे तुसी ए गल कहिंदे जे ना भी ओ जेड़ा भंडारी ओ विष्णु है, कहिंदे नहीं दद्दा दाता एक है, सबको देवण सारयां दा दाता ते अकाल ही है। विष्णु जी नूं भी सारयां नूं देण वाला ओ अकाल ही है, ओ परमात्मा ही है। हुण अखे जी इत्थे स्त्री लिंग क्यों आया है, भगवती जी स्त्री लिंग है। एक होर तर्क हुंदा है भी बाणी विच इह जिक्र आउंदा है नमो लोक माता, अखे जी माता ते फिर देवी होगी। हुण ध्यान दिओ कलगी तरकी लिखदे ने अनंगी अनामे, तू अंगा तो रहत है तू नाम तो रहत है। कि दुर्गा दा नाम नहीं कोई, की दुर्गा दे अंग नहीं सन? ये ते कहिंदे आ वीर सनातन हिंदू कहिंदे ने भी अठ बाहां सन, पर जेड़ा अकाल पुरख है अनंगी अनामे नाम तो रहत है, उहदा दुर्गा वांगू कोई नाम नहीं, अंगा तो रहत है, उहदियां अठ बाहां नहीं, साडे सारिआं च समाया असीम ही बाहां ने उहदियां। ओ जेड़ा परमात्मा है प्रभंगी प्रमाचे समस्ति स्वरूपे, सारे ओदे स्वरूप विच ही समाए हुए ने, दुखां नूं नष्ट करन वाला है। ते जे दुर्गा दुखां नूं नष्ट करदी हुंदी ते आ क्यों लिखिया तैं ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। जे दुर्गा दुखां नूं आप खत्म करन वाली सी ते दैंत दुख ने खत्म क्यों ना कीता, क्यों परमात्मा तों हथ जोड़ के ताकत मंगी है? हे अकाल तेरा नाम नहीं, तू अंगा तो रहत है, परवरिश करन वाला है, दुखां नूं जड़ तो पुटदा है, समस्ती विभूते सारयां नूं विभूती दाता वंडन वाला है, नमो परम ज्ञाता सारयां दे अंदर दी जानन वाला है, सब तो वड्डा ज्ञानी है, नमो लोक माता। कली पंक्ति ना पढ़ो, शुरू तो पढ़ो किहदा जिक्र हो रहा। आपां बाणी विच इह गल नहीं करदे भी गुरु दा ते बच्चे दा माता वाला रिश्ता है, मां प्यो वाला रिश्ता है। भावे तू माता रूप है अकाल, क्यों तैनू असी माता कहिंदे हां, ध्यान दे, क्योंकि वेखो जिवें बच्चे नू कदे भी कोई दुख होवे ते मां छाती ना ला के दुख कटदी है, इदां अपने भगतां प्यारियां दुनियावी लोकां दे दुख छाती ना ला के कटदा है। सारियां दा जन्म दाता है, जन्म कित्थों हुंदा, मां तो, ते सारी सृष्टि की पैदाइश परमात्मा कर रहा। नमो लोक माता, तू माता स्वरूप है, तैनू नमस्कार है। टीके दे अर्थ पढ़ लो, डॉक्टर जग्गी ने भी लिखिया, उरां ने टीका किया है दसम ग्रंथा, उत्थे लिखिया तैनू नमस्कार है, तू माता स्वरूप भी है, तू पिता स्वरूप भी है, तू मेरा पिता। आ गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो भी ये माता देवी नूं आंदे जे, हुण दसम ग्रंथ चो ते नमो लोक माता कढ दिओ भी अखे जी माता की तरीफ है दुर्गा की। गुरु ग्रंथ साहिब का की करोगे, रब का वास्ता जेड़ा कुफर ना तोलिया करो। हुण गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है। ते कलगी धर ने भी कह दिता है प्रथम भगवती जे तुसी स्त्री लिंग वल जाना, वैसे इत्थे स्त्री लिंग नहीं, भगवती भगवान भगवंत एको अर्थ है। नमो लोक माता नूं स्त्री लिंग विच खड़ना, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच भी लिखिया जे उहदा की करोगे। साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते। भेखां तो न्यारा है, दुर्गा दा भेख है, तू भोग नहीं भोगदा, भरमां तो रहत है। हे प्रभु परमात्मा, तू सारियां तो वड्डी ताकत है, जोगियां विच भी तू, देवतियां देवियां विच भी तू, पर तैनू एक जगह बन्निया नहीं जा सकदा भी तू राम है, तू कृष्ण है, तू दुर्गा है, ये नहीं। इन्हां सारियां नूं बख्शिशां देण वाला तू है, इस करके तू एक माया एक कुदरत साजी है, जेदे तो अगां जिन सब सह सार उपाया, जेदे तो अगां तू सारा संसार उपाया। जिमें गुरु ग्रंथ साहिब ने कह दिता एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। इं दुनिया चला रहा है,
सब कुछ तेरे हुक्म तो पैदा होया है। इत्थे हुण जिहड़ा आउंदा ना एक संसारी एक भंडारी जां तीन चेले प्रवान, अगली पंक्ति पढ़ो दुर्गा दी। दुर्गा दा जिहड़ा जिक्र है जिहड़ा जंग है उहदी आरंभता विच पंक्ति पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया माया साजी।